हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज के छोड़ों में हम आपको बताने वाले हैं कि हवाई मोबाइल को कैसे अपडेट करें। तो गाइस, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका भी सलूशन बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मोबाइल के इंटरनेट को चालू कर लेना है, फिर आपको मोबाइल के सेटिंग में जाना है। आना है सबसे नीचे और यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट नाम की सेटिंग मिल जाएगी, इस पर क्लिक कर देना है। या फिर आप ऊपर सर्च बार में क्लिक करके सबसे ऊपर लिखेंगे सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर आ जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप चेकिंग होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आ जाएंगे यहाँ पर। या फिर अगर आपके फ़ोन में सर्च वाला ऑप्शन भी नहीं है तो फिर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट पर ही क्लिक करना है, इसे खोजना है, तो यहाँ पर आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद एंड्रॉयड 11, मतलब कि एंड्रॉयड 11 अभी चल रहा है, हमारा फ़ोन जो है अपडेटेड है, यहाँ से आप चेक कर लेना है कि आपका कौन सा है। और गाइस, अगर आप पता करना चाहते हैं कि आपका फ़ोन कब अपडेट हुआ था या आखिरी अपडेट कब आया था, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर डेट यहाँ पर शो होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतना सब कुछ आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। गाइस, अब बारी आती है अपडेट करने की, तो कैसे अपडेट करेंगे अपने फ़ोन को, या फिर अगर आपके फ़ोन में अपडेट ही नहीं आता है तो फिर क्या करना है। अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट या रिबूट कर लेना है। अगर आपका फ़ोन न्यू वर्जन रहेगा, अपडेट भी नहीं रहेगा लेकिन न्यू वर्जन रहेगा, नया रहेगा, तो गाइस आपके फ़ोन में अपडेट आने वाला रहेगा तो आ जाएगा। अगर आपका फ़ोन काफ़ी पुराना है, अपडेट कभी नहीं आता है, तो शायद अपडेट नहीं होगा आपके अपने फ़ोन से। तो अगर आपको अपडेट करना है, चेक करना है, तो सिंपली आपको आना है सबसे नीचे, और सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट या डाउनलोड का। आप यहाँ से चेक कर पाएंगे कि अपडेट हुआ है कि नहीं, मतलब कि अपडेट है कि नहीं, या फिर अपडेट आया है कि नहीं। यहाँ से आप अपडेट कर लेना, इस पर क्लिक करके जैसे ही पूरा हो जाएगा फिर आपका फ़ोन रिस्टार्ट होगा। यहाँ पर आप ज़रूर से चेक कर लेना कि कितने MB का या कितने GB का आया है। तो यहाँ पर आपको अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद क्या करना है, मोबाइल के सेटिंग में जाना है, फिर देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करके चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन में क्या क्या न्यू अपडेट आया है, यहाँ पर आप पढ़ लेना या फिर इसे रहने देना, कोई बात नहीं। अगर आपका फ़ोन अपडेट हो जाएगा, यहाँ पर आप पता कर सकते हैं डेट को देख कर। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।